जस्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज, वेन एवर यू आर ऑन द एक्सप्रेस वे और अगर आपको सुसु या पॉटी या कुछ भी ऐसा लग जाए, नेचर्स कॉल अगर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? किसी भी टोल के पास आस पास में सुसु और पॉटी का व्यवस्था रहता है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। बीच में आपको कुछ भी ना मिले दूर दूर तक, क्योंकि सी हमारी कार जो है उतने दूर में आप देखो यहाँ पे खड़ी चिक 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 ये रही, सो आपको बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। समझा क्या? समझा शिवरात्रि है रे। हाँ शिवरात्रि। बात कुछ ऐसी है, 8:30 बजे के आसपास निकले घर से और 8:30 बज गया पहुंचने में अहमदाबाद। अब यहाँ से अंबाजी माता टेंपल जो है, मतलब अब कुछ 1 घंटे ही रह गए हैं, मतलब 183 किलोमीटर है अहमदाबाद से। सो अभी वी आर 71 किलोमीटर बाकी है, विल रीच बाय 11:21 PM। बट द थिंग इज़ कि भाई कभी भी मुंबई से बाहर निकलो या कोई भी ट्रैवल आप लोग प्लान करते हो, एज अ व्लॉगर आई वुड जस्ट लाइक टू से अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 AM यू शुड लीव सो दैट यू रीच द डेस्टिनेशन वेरी मच ऑन टाइम। हालांकि इवन रीचिंग एट नाइट इज कूल, यू कैन रिलैक्स एट द होटल एंड अर्ली मॉर्निंग आप दर्शन कर सकते हो, बट स्टिल वो ट्रैफिक में बैठे बैठे वाला चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। शहर से बाहर निकलने के लिए, मुंबई से बाहर निकलने के लिए लॉट्स ऑफ ट्रक्स, इनफैक्ट इन अहमदाबाद देर आर लॉट्स ऑफ ट्रक्स एंड आई एम जस्ट ड्राइविंग एंड सी थिंग्स आर वर्किंग। सो द टाइम इज 10:50 PM, द टेम्परेचर इज वॉट 32 degrees Celsius। वी आर इन गुजरात, चीयर्स टू दैट। और आपने देखा महाशिवरात्रि का किस तरीके से पटाखेबाजी हो रही है, पता नहीं किस वजह से था वो, बट आई कंसिडर इट फॉर महादेवा। सो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो आपको देना था एंड बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है। एंड आई होप यू फाइंड मी वेरी वेरी हैंडसम, डैशिंग एंड कूल। थैंक यू सो मच। सो जस्ट 270 meters और ये हम पहुँच गए अंबाजी टेम्पल। सो 8:30 बजे निकले एंड पहुंचने में, ये देखो गौ माता भी इधर है, पहुंचने में हम लोगों को लगा 16 hours। वी टुक अ ब्रेक, यू सॉ दैट, बट इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस व्यू। या इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड द ग्रीनरी, एवरीथिंग इज लुकिंग सो गुड, सो नाइस एंड सो ग्रीनरी। Guest house is here. Okay. Look at the shining light. Shri Ambaji Shakti Peeth. Jai Ho. Mata Ji Ki Jai. 11:27 PM and we are here. Jai Mata Di. शिवरात्रि इस तरीके से माता जी के चरण में। सुपर ब्रिलियंट। सो हियर द थिंग इज अनप्लान्ड ट्रिप्स। यस 11:30 बज रहा है, तो 11:30 बजे से कोई आरती है और आज महाशिवरात्रि भी है, तो 11:30 से 12 तक आरती हो रही है, विच इज़ अ कूल थिंग। सो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हम लोग आरती कर लेते हैं और आरती करने के
बात का अपडेट देते हैं आप। वाओ, दिस इज द ब्यूटी एंड अंबाजी शक्तिपीठ महाशिवरात्रि, ओम नमः शिवाय। क्या बात है, दिस इज लाइक ब्रिलियंट। द कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी 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 नाइस। लेट मी ब्रिंग द लाइट इन द सेंटर 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 सेंटर। वाओ, टू गुड, मजा आ गया। ये तो ऐसा लग रहा है कि शिवरात्रि स्पेशल हो गया। अनप्लान्ड, अनप्लान्ड, यस अनप्लान्ड। वही वही जो राम रची रखा। तो मोबाइल एंड ऑल दोज इवन द चप्पल इज सपोज टू बी केप्ट आउट। तो कैसे छोड़ोगे यार? हाँ तो कैसे छोड़ोगे? चप्पल एंड मोबाइल। जैकेट ले लो। नहीं नहीं ठीक। नहीं नहीं मतलब आपकी। सो द टाइम इज 12:54 AM एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यूटिफुली हमारा जो है दर्शन हो गया। महाशिवरात्रि के दिन प्रॉपर आरती और अंदर में महादेव का शिवलिंग भी है, दोनों चीज़ में दर्शन हो गया। आरती, नीर मिल गया, चरणामृत मिल गया, कुछ भी प्लान नहीं था। पर अभी जितने सुकून से दर्शन हुआ, अंदर का क्या वाइब, अंदर मोबाइल फोन्स कुछ भी अलाउड नहीं है। ट्रूली मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो है इट इज़ सो ब्यूटिफुल, मतलब जस्ट टू गुड। आई एम जस्ट अमेज्ड, थैंकफुल, ग्रेटफुल।